bottom wear 50% of your outfit hai, and jeans is something that we wear most of the time, so you need to put thoughts to it. Denims बेसिक लगती हैं, क्लासिक लगती हैं, बट एट द सेम टाइम ज्यादा फैशनेबल और ट्रेंडी भी लगती हैं। तो मतलब है ब्लैक या फिर ब्लू ऐसा बिल्कुल नहीं है, देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर। इज द रीजन व्हाई यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि वो आपको थोड़ा अलग दिखाएगी एंड किसी को कुछ नहीं पता लगने वाला, एंड यू आर गोना लुक मोस्ट स्टाइलिश जींस लेने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही फ्रेश वाइब देती है एंड एट द सेम टाइम इट एड्स अ लॉट ऑफ स्टाइल। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज वैभव केसवानी, इमेज एंड स्टाइल एक्सपर्ट। और इस चैनल पे मैं बात करता हूँ फैशन, स्टाइल, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो अगर आपको अपना बेटर वर्जन बनना है, ज्यादा अच्छा दिखना है, ज्यादा ग्रूम्ड लगना है और एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, तो सब्सक्राइब ऑलरेडी कर देना यार। नेटफ्लिक्स नहीं है, सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, फ्री का बहुत बढ़िया ज्ञान है। एनीवे, आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी जीन्स की जो हर एक स्टाइलिश आदमी की वार्डरोब में होनी ही चाहिए, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा फिट होना चाहिए, एग्जैक्ट कलर कौन सा होना चाहिए, कौन से ओकेजन के लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो अपनी जीन्स को ज्यादा अहमियत नहीं देते, बट दोस्त आपकी जीन्स आपका बॉटम वेयर 50% ऑफ योर आउटफिट है, एंड जीन्स इज समथिंग दैट वी वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम, सो यू नीड टू पुट थॉट्स टू इट। और लास्ट में इस वीडियो के मैं एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड बिकम अ मोर स्टाइलिश वर्जन ऑफ योर सेल्फ। So first on my list is a dark blue denim with visible stitching. Now this has to be the first denim of your wardrobe, क्योंकि जो versatility ये denim offer करेगी वो कोई और denim offer नहीं करती, and specially because of the visible stitching जो usually mustard या फिर yellowish tone की होती है, इससे ये denims basic लगती हैं, classic लगती हैं, but at the same time ज़्यादा fashionable और trendy भी लगती हैं। You can actually wear it with a blazer for business casuals, या फिर एक hoodie और white sneakers के साथ पहनो to go out with friends, and you can pair it with a white shirt to go out on a date. वैसे भी Valentine's पास आ रहा है, so you never know. और अगर मैं इसकी fit की बात करूँ, so make sure you go for a slim fit ताकि उसकी versatility बनी रहे। उससे आप इसको boots के साथ भी पहन सकते हैं, you can wear it with loafers, you can wear it with sneakers, etc. etc. आपके options सिर्फ एक denim के साथ मल्टीपल हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज अ ग्रे जीन्स। अब लोगों को ये लगता है कि जीन्स का मतलब है ब्लैक या फिर ब्लू, ऐसा बिल्कुल नहीं है, देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर। इनफैक्ट बहुत सारे शेड्स होते हैं, बट क्योंकि आज हम फाइव मस्ट हैव डेनिम्स की बात कर रहे हैं, फाइव मस्ट हैव जीन्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये वाली बेसिक येट फैशनेबल एंड स्टाइलिश जीन्स होनी बहुत जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग। ग्रे जीन्स वैसे भी ना थोड़ी अंडररेटेड होती है, लोग ज्यादा उसको पहनते नहीं है, एंड दैट इज वन मेजर रीजन व्हाई यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि वो आपको थोड़ा अलग दिखाएगी, इट विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। अगर मैं इस जीन्स की फिट की बात करूं, सो गो फॉर अ स्लिम फिट और अ स्लिम स्ट्रेट फिट, बट इस जीन्स में फिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलर, सो गो फॉर अ कलर विच इज ईदर अ मिड ग्रे और अ डार्कर शेड ऑफ ग्रे, क्योंकि उससे आप ज्यादा क्लासिक एंड इट विल मेक यू लुक मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो। यस, इस जीन्स की वर्सेटिलिटी थोड़ी सी कम है, आप इसको ओकेजनली ज्यादा पहन पाएंगे, बट it can be your statement piece. People are going to definitely notice you and the spotlight is going to be you. People are definitely going to compliment you because you are going to look more stylish after wearing this jean. Next on my list is a classic black. Black denims hazaron ki quantity mein bahar market mein available hai, but believe you me, getting that perfect black denim is the most difficult thing. और जो आपकी पहली ब्लैक डेनिम है, इट हैज़ टू बी अ सॉलिड ब्लैक, उसमें कोई वॉश नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा, इट हैज़ टू बी अ सॉलिड। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, प्रेफर कीजिएगा कि वो थोड़ा जो उसका मटेरियल है ना, वो हल्का सा शाइनी हो, बिकॉज ब्लैक क्या है, बहुत जल्दी डल हो जाता है, एंड यू वुड नॉट वॉन्ट योर डेनिम्स टू लुक डल, सो गो फॉर अ ब्लैक विच इज़ मोर शाइनी रादर देन उसकी फिनिश मैट या फिर डल हो। Talking about the fit, go for a slim fit or a tapered fit, but make sure जो उसका fabric है वो थोड़ा सा उसमें elastane हो या lycra हो, ताकि वो stretch हो सके, it can be more comfortable because of the versatility this jeans has to offer. आप इसको हफ्ते में 3 बार भी पहनिए and किसी को कुछ नहीं पता लगने वाला, and you're gonna look more stylish because black is one color which makes you look very modern, it makes you look sleek, आपकी body को एक अच्छा structure भी देता है, so you need to have a jet black classic denim in your wardrobe for sure. Next on my list is a mid blue washed jeans. Washed jeans वो वाली होती हैं जिनका washing process एक solid jeans के comparison में ज़्यादा लंबा होता है, which also make
the jeans a little more lighter and more easy to wear. So agar aapko comfortable jeans chahiye, so this is definitely the one that you should go for. Now kyunki inka washing process lamba hota hai, inke front pe aapne dekha hoga ek whitish sa shade aa jata hai, making the blue a little light, which also adds a style statement to these denims. This is one jeans that I'll definitely recommend to college going people, to youngsters, mere chote bhaiyon ko main zarur bolunga ye jeans lene ke liye, kyunki ye ek bahut hi fresh vibe deti hai and at the same time it adds a lot of style and character to your outfits also. Aur agar hum iski fit ki baat kare, so you can go for a slim fit or a skinny fit, wo aapke upar hai, jo bhi aapko comfortable lage, jisme bhi aap zyada confident feel kare. Pair this jeans with a check shirt, a pair of sneakers and you're good to go. Fifth and the final must have jeans is a distressed denim. Agar aap mujhe Instagram pe follow kar rahe hain for everyday fashion updates, to aapko pata hi hoga main distressed denim se kitna pyar karta hu, kitni pasand hai mujhe distressed jeans pehenna, because if you want to look raw and edgy, these are the distressed jeans that should be there in your wardrobe. Now I know ye bahut zyada classic nahi lagti, but jo ye rawness ek manly vibe deti hai, ek badass look deti hai, I mean that is ridiculous. That is something definitely every man should experience for once at least. So for the starters, you can go for distressed jeans jispe sirf knee slits hoti hai, matlab knee se wo kati hui hoti hai, that is about it. But agar aap already comfortable hain, to aap aur zyada distressed ke liye bhi ja sakte hain, but make sure ki aapka jo total skin show hai wo 10-15% se zyada na ho, kyunki maine dekha hai ki log matlab unki aadhi jeans hi nahi hoti hai, and that looks cheap, and that is something I don't want you to do it, because I want you to look more stylish. Aur color ki baat kare to yaar shuruaat ke liye dark colors ke liye hi aap try karna. Fit should be either slim or skinny, anything that makes you feel comfortable, but make sure you pair it right, especially if you are wearing skinny, because maine dekha hai skinny pull off karna thode se zyada difficult ho jata hai kafi sare logon ke liye, so you need to be a little cautious there. So safe side pe khelna hai to slim fit ke liye chale jana, and ek dark distressed denim apni wardrobe mein zarur add kar lo, trust me you're gonna thank me later. So that was about 5 stylish jeans every man should own. तो अगर आपके पास इनमें से एक भी नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, पांचों नहीं है, तो अभी जाओ और खरीद लो. और रही बात बोनस टिप की, whatever jeans you go and buy or the ones that you already have, make sure you get them altered. क्योंकि अगर आप वो alter नहीं करते और वो आपकी shoes के आसपास collect हो जाती है ना, उससे आपका overall body का structure खराब हो जाता है. And that actually is a great fashion mistake that people make in everyday basis, on everyday basis. Yeah. So yeah, that was about it. I'll see you in the next video. Until then, take care.